दिल्ली का मॉडल ऐसा है कि 100 रुपये में 3 क्वार्टर देते हैं, रिक्शा डेली कमाने वाले जो हैं वो दारू में ही चले जाएंगे, तो दिल्ली का क्या मॉडल जाएगा सर, आप बताइए ना। केजरीवाल दिल्ली जी, दिल्ली के पास ही है यूपी, 75 जिले हैं, कभी आके तो देखें, प्रचार करें, फ्री दें, जब पता लगेगा आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात, फ्री दे देंगे, कहाँ से फ्री दे दोगे भाई, पूरे हिंदुस्तान में फ्री कर दो, कहाँ किसके घर से आएगा पैसा बताओ भाई। मोदी जी कौन से गलत काम कर दे, मैं तो नहीं देखा था किसी को गलत काम किया, जिसको घर नहीं था उसको घर दे दिया उन्होंने, ठीक है, जिसके घर पे आजीवन लिंटर नहीं लगता उनको तो दे दिया ना सहारा। 2024 में मोदी आएंगे, उनको हटाने वाला कोई नहीं है, 24 में मोदी आएंगे और 27 में योगी जी आएंगे, मेरा बस इतना ही कहना है। वो कह रहे थे कि दिल्ली के मॉडल में गुजरात वालों को दिखाऊंगा, आज फ्री का लॉलीपॉप जो भी होता है, फ्री की योजनाएं उन्होंने दी थी, तो क्या दिक्कत क्या रही होगी। दिल्ली का मॉडल ऐसा है कि 100 रुपये में 3 क्वार्टर देते हैं, रिक्शा डेली कमाने वाले जो हैं वो दारू में ही चले जाएंगे, तो दिल्ली का क्या मॉडल जाएगा सर, आप बताइए ना। ये है दिल्ली का मॉडल, दिल्ली के रोड टूटी पड़ी हैं, नालियाँ, गंदे नाले और कूड़े का ढेर दिल्ली में है, जो था पहले दिल्ली उससे भी बस से भी बदतर हो गया है। वो कहते हैं कि हम 6 महीने, अब क्योंकि MCD आ गई है, वो उन्होंने बोला था कि हम 6 महीने में ये सारे कूड़े के ढेर जितने भी पहाड़ हैं वो सब खत्म कर दिए, उम्मीद है आपको। आज से झूठ झूठ के बोलने के बाद क्या करेंगे, ये झूठ पे झूठ ही बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा इनके बस के। तो वो कहते हैं कि आप हमारा जो है ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन, क्या अब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के। झूठ का पर्दाफाश हो गया है, अब कोई कुछ नहीं करेगा उनके बाद। आपका क्या कहना है, किस तरह से दावी कर रही थी पार्टियां, दावी कर रही थी इस बार जो अभी विधानसभा चुनाव हुई है, गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में सभी पार्टियां कर रहे दावे कर रही थी कि हम जो है प्रचंड बहुमत में आएंगे, तो जिस तरह से मोदी जी का जो जादू वहाँ पे चला और पूरा समीकरण बदल गया, तो क्या लगता है आने वाले समय में अभी लोकसभा चुनाव आने वाले, तो कितना प्रभाव रहेगा। बहुत प्रभाव पड़ेगा, 2024 में मोदी आएंगे, उनको हटाने वाला कोई नहीं है, 24 में मोदी आएंगे और 27 में योगी जी आएंगे, मेरा बस इतना ही कहना है। 24 में मोदी जी आएंगे, 27 में योगी जी आएंगे, फिर माने यहाँ की मुख्यमंत्री योगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है उनकी, और वो अपने आप को बड़े कट्टर ईमानदार बताते हैं, तो क्या लगता है कि अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई, वो कहते हैं हम पढ़े लिखे भी हैं, हमारी पूरी पार्टी ईमानदार है और हमारा दिल्ली का मॉडल जो है पूरे देश में या विदेशों में भी जो है चर्चित है, तो क्या लगता है आपको, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कभी सपने में भी नहीं बन सकते वो केजरीवाल। कब तक बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे वो। कहते हैं हम ग्रो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं ग्रो कर रहे हैं, ऐसे 4-5 सीट लाने से कुछ हो जाएगा। पंजाब में क्या स्थिति चल रही है, पंजाब की भी स्थिति, एक राज्य दो राज्य जीतने से कुछ नहीं होगा, जहाँ जीतना हो तो सर यूपी को जीत के दिखाओ ना, 75 जिले हैं। केजरीवाल दिल्ली जी, दिल्ली के पास ही है यूपी, 75 जिले हैं, कभी आके तो देखें, प्रचार करें, फ्री दें, जब पता लगेगा। पंजाब की जहाँ तक बात करते हैं, पंजाब में कैसी व्यवस्था, आप समाचार देखते हैं, ये अखबार पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं, पंजाब में क्या स्थिति है, किस तरह क्या शासन व्यवस्था कैसी है। पंजाब और दिल्ली में तो सब फ्री का चाहते हैं, यूपी में कोई फ्री का नहीं चाहता ना, गुजरात में चाहता, सबको फ्री का चाहिए गुजरात में सब। गुजराती लोगों ने क्या दिखाया, क्योंकि वो लोग व्यापारी होते हैं, काम करते हैं, छोटा मोटा सब अपना धंधा करते हैं, व्यापारी लोग हैं भैया, व्यापारी को खाली फ्री का नहीं चाहिए, कमाई चाहिए, चाहे टैक्स देते हैं, मिट्टी उठा के खा सकते हैं, फ्री का नहीं खाएंगे। बिल्कुल सर, मेहनत के लिए कोई भी खड़ा हो जाएगा। क्या चल रहा है देश के अंदर में, दावे करते हैं अलग अलग पार्टियां कि हमारे प्रचंड बहुमत आ जाएगा और हम वो बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है तो केजरीवाल जी का कितना देखते हैं आप जनाधार, क्योंकि वो दिल्ली का मॉडल लेके गुजरात गए थे, तो आपको क्या लगता है। अरे कुछ नहीं होना तो कहने वाली बात है भैया, एक बात बताओ, अपने घर से तो कोई देगा नहीं, ठीक है, फ्री का जब आदमी को आदत पड़ जाएगी तो मैं नौकरी करने क्यों जाऊँगा, सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, 2 बजे आता हूँ, सब कुछ फ्री मिलेगा, नौकरी करने क्यों जाऊँगा मैं, और हमारे देश का ही पैसा तो बर्बाद होकर मिलेगा, श्रीलंका की दाल यहाँ भी होगी, भूखे मरेंगे लोग, सीधी सी बात है, लोगों में आक्रमणता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, फ्री का जिसकी आदत पड़ गई वो काम करने क्यों जाएगा। ये लोग बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ईमानदार हैं और इन्होंने देश चलाना होता है, क्या ऐसे में देश चल जाएगा, ऐसे में कभी देश नहीं चले, देश को तो पीछे जा रहा है। अब वो कहते हैं कि मोदी जी को हर मन से टारगेट होते हैं कि मोदी काम नहीं करते हैं, खाली जुमलेबाजी करते हैं, भाषणबाजी, गलत आदमी तो ये, जिसको हम गलत हैं तो दूसरे को ही गलत यही नजर आएगा भाई। मोदी जी कौन से गलत काम कर दे, मैं तो नहीं देखा था किसी को गलत काम किया, जिसको घर नहीं था उसको घर दे दिया उन्होंने, ठीक है, जिसके घर पे आजीवन लिंटर नहीं लगता उनको तो दे दिया ना सहारा भाई, उनके लिए तो वो भगवान है, सीधी सी बात है, और जो उस लायक नहीं थे तो उनको दे दिया, जो इसके लायक है उनको नहीं दिया।
जिसके पास सब कुछ उनको नहीं दिया, सीधी सी बात है। दिल्ली का मॉडल लेकर के जगह जगह केजरीवाल जी जाते हैं, हिमाचल गए थे, उत्तराखंड गए थे, यूपी गए थे, बेवकूफ बनाने वाली बात फ्री दे देंगे। कहाँ से फ्री दे दोगे भाई, पूरे हिंदुस्तान में फ्री कर दो, कहाँ किसके घर से आएगा पैसा बताओ। अब वो कहते हैं कि हमारा जो है अब पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गया है, तो क्या वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उनको भी ऐसा कुछ नहीं, कभी जीवन में नहीं बन सकते। अल्लाह मैं बाउंड पे लिख दूं, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक दूसरा कोई आ नहीं सकता। IRS हैं, पढ़े लिखे हैं, कट्टर ईमानदार हैं, बेवकूफ़ बैठे हैं, बाकी सब बेवकूफ़ बैठे हैं, वही सिर्फ पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाली बात है, मॉडल की बात करते हैं, स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, तो क्या लगता है क्या शिक्षा बढ़ गया और क्या फ्री का लोग बस जा रहे हैं, लेडीजें घूम रही हैं, और क्या हो रहा है? और तो मुझे नहीं देखा किसी को। खराब नीति आई थी वो एक के साथ थी, उसका चले जाओ 2 बजे रात को तो साले कल्याणपुरी पुलिया पे छीन लेंगे दारू पी के साले, यही फ्री है और क्या फ्री है, बेवड़े पी रहे हैं। वापस ले लिया, वो नीति वापस ले ली उन्होंने, जो शराब नीति को वापस ले लिया है। लेकिन आगे अब क्या रहेगा, क्या मोदी जी का जादू बरकरार रहेगा या कुछ कम होगा या किसी को तो नहीं कह सकते, लेकिन यूपी और हर जगह जाएं मोदी जी आएंगे, सीधी सी बात, और कोई नहीं आएगा। भी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी काफी मेहनत कर रहे हैं, अब 70 साल पीछे जाए, 70 साल तो किए नहीं तो अब क्या कर लेंगे पीछे आगे, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2-4 सीट कोई भी खड़ा होगा वो ले आएगा। आपका क्या कहना भैया, क्या नाम है, कहाँ से हो आप? मेरा सौरभ कुमार नाम है, मैं यूपी इटावा का रहने वाला हूँ जी। क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है ये और क्यों, किस तरह की जो है राजनीति से आप क्या देखते हैं? लोग कहते हैं कि हम पूरा दावा करते हैं, गुजरात में गए थे केजरीवाल जी या कांग्रेस पार्टी, वो कह रहे थे इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बरकरार रहा मामला, तो आपको क्या लगता है? मुझे मामला ये लगता है जो फ्री ये दे रहे हैं केजरीवाल जी, ये हर किसी के देने की दम नहीं है। फ्री लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अभी तक जो मेदांता बने हैं, इतने हाई फाई जो हॉस्पिटल बने हैं, ट्रामा सेंटर बने हैं, ये सब कांग्रेस ने बनाए हैं। तब पेट्रोल 50-60 रुपए लीटर हुआ था, 40 रुपए लीटर डीजल होता था, अब वो सब महंगाई जा रहा, तो किसानों की जेब से पैसा है? मोदी जी किसी का वो नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, ऐसा कौन सा भारत का नेता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल सकता, कोई चलेगा? देश जब से आज़ाद हुआ होगा शायद है कि कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता, वो राहुल गांधी चल रहे हैं। इससे फर्क पड़ेगा कुछ, वहाँ से जो कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक जो पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? तो कहते हैं कि हम भारत जोड़ रहे हैं, तो क्या भारत टूट गया था क्या? नहीं, टूट नहीं गया था भारत जोड़, वो एक मिसाल पेश करना चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे नेता हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के जा रहे, देश का कौन सा नेता पैदल चलेगा बोलिए? पैदल चलने से क्या समाधान हो जाएगा? क्योंकि नीतियां जो सरकार चला रही है उनका प्रतिरोध करना चाहिए, उनके साथ जो है डिबेट करना चाहिए। डिबेट करने से काम चलेगा या सड़क पर चलने से? सड़क पर चलने, डिबेट करने से कुछ नहीं होता, जिसकी सत्ता होती है अब उसकी मनमाजी चलती है। जब सत्ता अभी आप भी यहाँ पे जो है पंचायत बैठती है, तो तभी तो समाधान निकले जब पंचायत में बात करेंगे। पंचायत जब मानने के लिए तैयार ही नहीं है बीजेपी वाले, वो मान कहाँ रहे हैं? जब वो मान ही नहीं रहे अपने आगे, आप यूपी में देख रहे हैं, अभी चुनाव हुआ था यूपी में, मैनपुरी की सीट से चुनाव हुआ था, वहाँ पर कैंडिडेटों को वोट मांगने के लिए नहीं जाने दिया, प्रधान जिला पंचायत सबको उठवा लिया है। अच्छा। जी बड़ी अराजकता चल रही है। आपको क्या लगता है कि 2024 में राहुल गांधी परिवर्तन होगा? ऐसा लगता है आपको, यहाँ पर रह रहे हैं, काम करते हैं, किस तरह से व्यवस्था कैसी लगती है, अराजकता है या ठीक ठाक? पुलिस प्रशासन कैसा काम कर रहा है? पुलिस प्रशासन क्या काम करेंगे, वो लोग तो बस पैसा लो और दो तब करो, नहीं तो भागो, रोड पे टिकने नहीं देता किसी दुकानदार को। सरकार ठीक काम कर रही है, सरकार आ सकती है, योगी जी कैसे काम कर रही है? यहाँ पे योगी जी जो है जैसे अखिलेश चला रहे तो उस तरीका से नहीं चला रहे। अभी देखिए हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यूपी में चुनाव हुआ है, नतीजा क्या निकला है देखे, समाजवादी पार्टी आया है, यानी कि 2 लाख यानी कि 3 के आसपास में कम है, बहुत सारा है वोट उनकी, तो कोई सीट भी नहीं आई, जहाँ जहाँ जो है समाजवादी पार्टी की कोई सीट ही नहीं आई। नहीं, सब समाजवादी पार्टी जो है, अखिलेश की सरकार जो आती है। केजरीवाल जी को जानते हो? हाँ, केजरीवाल को जानते हैं। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो अभी तो 2 राज्य में बनाए हैं सरकार, और आगे वो अपना भविष्य उनके लिए जो भी हो, लायक तो अच्छा है। हाँ, बन सकते हैं।
क्या आप यहीं पे काम करते हैं दिल्ली में? जब आप काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन शासन व्यवस्था कैसे लगते हैं? जो आपको लगता होगा आपको डर लगता है कुछ यहाँ पे? नहीं लगता सही। हाँ। हमारे को डर नहीं लगा, हम तो कंपनी के अंदर लग रहे हैं ना। हाँ। हमारे को किसका डर लगता है? अच्छा, तो सरकार कैसे काम कर रही है यहाँ पे? काम बहुत अच्छा कर रही है सरकार, कंपनी में लग रहे हैं। हमारे तो ट्रैक्टर लगा रखे हैं। किसकी सरकार है यहाँ पे? पता नहीं जी, हमारे को, हम तो राजस्थान के जोधपुर जिला के।